कौन सा है, पहला कि दूसरा? दूसरा। बस आपके लिए ताली बजा लो कि आज आपने श्रेष्ठता का निर्णय लिया, ये आपके लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिए, छोड़ने के बाद भी हम जंगल में जाकर बैठ गए, वन में जाकर बैठ गए, गंगा जी के तट पर जाकर बैठ गए, और उसके बाद भी माँ बैठने के बाद भले तुमने छोड़ दिया, उसके बाद भी तुम्हारा मन घर की याद कर रहा है, परिवार याद आ रहा है, मेरी बहू ना जाने कैसी होगी, मेरा पोता ना जाने कैसा होगा, मेरा बेटा ना जाने कैसा होगा, तो फिर भगवान के लिए तुम छोड़े तो फायदा कौन सा हुआ? हमने पहले भी कथा में कहा, संत बनना सरल, साधु बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, सन्यासी बनना सरल, गंगा जी के घाट पर बैठकर तप करना सरल, नर्मदा जी के तट पर बैठकर भगवान की भक्ति करना सरल, यमुना जी के घाट पर रहकर भजन करना सरल, सरयू के घाट पर बैठकर तप करना सरल, पर सबसे ज्यादा कठिन है घर में रहकर, परिवार में रहकर उनका भरण पोषण करते हुए भगवान का भजन करना, ये कठिन है, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। हमने कभी नहीं कहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारी दुकान बंद कर दो, कथा में आकर बैठ जाओ। आज तक इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा परिवार छोड़ दो, कथा में आकर बैठ जाओ। ये व्यासपीठ हमेशा कहती रही, अपनी नौकरी करो, अपनी चाकरी करो, अपना व्यापार करो, अपना व्यवसाय करो, पर उस व्यापार को, उस व्यवसाय को, उस नौकरी के साथ में इतना सा समय जरूर निकालना कि तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, तुम्हारे मुख से राम नाम कृष्ण नाम निकल जाए, तुम्हारे मुख से भगवान का भजन निकल जाए। क्यों? नौकरी करते, व्यापार करते, तनख्वाह लाते, तुम जितनी कमाई करोगे अपनी बीवी और बच्चों के लिए करोगे, तुम जितना कमाओगे अपने परिवार के लिए कमाओगे, तुम जितनी मेहनत करोगे अपने परिवार के लिए करोगे, अपने परिवार को देने का प्रयास करोगे, और तुमने जो बीमा इकट्ठा करा है, पैसे जोड़ जोड़ कर जो तुमने इकट्ठा करा बीमा, तुम्हारे मरने के बाद भी मिलेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा, पर तुम नौकरी करते करते, काम करते करते जो तुमने भजन कर लिया, काम करते करते जो तुमने मंत्र जाप कर लिया, काम करते करते तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया, काम करते करते तुम भगवान का भजन कर लिए, तो वो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ में जाने वाला है, अंत समय तक तुम्हारा साथ निभाने वाला है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही, आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुनी, हमने कहा था जब तुम्हारा व्यापार अच्छा चले ना, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले ना, तो पत्नी के जेवर बनवा दो,